बड़ी खबर क्यों रुकेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद के वार्ड 18 के बूथ पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, फतेहाबाद का मामला हंगामा हुआ है। चुनावी प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाए हैं, आरोप यहां पर लगाए हैं कि आतापाई करने और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए हैं। तो फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएचओ और हंगामे की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर हंगामा हुआ। उसके बाद एसएचओ साहब जब वहां पर पहुंचे तो हंगामे शांत करवाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में कह रहे हैं तो फतेहाबाद के वार्ड 18 का मामला, बूथ पर जबरदस्त हंगामा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चुनावी प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाए हैं, आरोप यहां पर लगाए जिसके बाद हंगामा हुआ है, हाथापाई करने और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए हैं और हंगामा बढ़ता देख पुलिस यहां पर पहुंची है। सूचना मिलते ही मौके पर एसएचओ वहां पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया गया। और रमेश फतेहाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, क्या हुआ था, क्या थे आरोप? देखिए बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के वार्ड नंबर 18 में जो हंगामा होता है, वार्ड नंबर 18 में चुनाव लड़ रही नेता रानी के पति ललित गोयल पर जुड़े हैं प्रतिबंधी प्रत्याशी सुनील नेता के पति ने आरोप। उसका कहना है कि खुद वो 24 नंबर वार्ड लड़ रहे हैं लेकिन 18 नंबर वार्ड में आकर तो अपने जो वोट थे उनसे जो वोटिंग वहां करवा रहे, इसी बात को लेकर हंगामा हो गया था। आरोपी ने आरोप भी लगाए हैं, प्रत्याशी ने आरोप भी लगाए हैं कि उनके कपड़े फाड़े गए हैं जब उन्होंने ये विरोध किया कि वो उनके बूथ पर आकर जो वोटिंग क्यों करवा रहे हैं, इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। मौके पर सूचना मिलने वाले पुलिस तो वहां मौके पहुंच गए थे और दोनों पक्षों को फिलहाल शांत करवा दिया गया है। जो वोटिंग है शांतिपूर्ण ढंग से वहां चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।